मेरे कुछ भारतीय व्यूअर्स बड़ी शायस्तगी से ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान ने खुद को हजारों बरस पुरानी तहजीब से जोड़ने के बजाय अरब तशख्स के साथ जोड़ा, जिनसे पाकिस्तानियों का कोई खूनी या जमीनी रिश्ता नहीं है। पाकिस्तानियों का फितरी रिश्ता अगर है तो वो भारत में बसने वालों के साथ। बादियों नजर में यह बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी खुद को गंधारा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इंडस वैली की किसी भी तहजीब के साथ जोड़ते नहीं। अगर ऐसा होता तो टैक्सला की, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्यों महफूज न की जाती, जैसे आप उन्हें विजिट करते हैं, देखते हैं और रशश कर उठते हैं। याद रखिए, तक्षाशिला यानी टैक्सला, टैक्सला तक्षाशिला का अंग्रेजी नाम है। टैक्सला के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया था तो वो वाइट हुंस थे, जिन्होंने 6वीं सदी ईस्वी में यहां हल्ला बोला और इन्हें नुकसान पहुंचाया। इस्लाम 712 में यहां आया, उसने इन तमाम एंशंट तहजीबों को प्रोटेक्ट किया, और उसकी मिसाल आपके सामने है। बरेसगीर में सनातन धर्म और वेद बाहर से आए थे, ये तहजीबें पहले से यहां मौजूद थीं। सनातन धर्म से कई और धर्म निकले जिन्होंने सनातन से नजरी और समाजी इख्तलाफ रखा, मसलन बुद्धिज्म, जिसके ट्रेसेस हमें गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, टैक्सला में, हत्ता कि अफगानिस्तान तक मिलते। फिर सिखिज्म, सनातन से पहले भी यहां मजाहब मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है, इस बात को हमारे व्यूअर्स ने दरखूर एतना नहीं समझा, इस काबिल शायद नहीं समझा कि इस पर कलाम कर सकें, इसे समझ सकें, कि सनातन हिंदू धर्म से पहले भी इस धरती पर मजाहब मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि कोई मजहब मौजूद नहीं था। मसलन शामनिज्म, शामनिज्म से पहले काले नाग समेत मुख्तलिफ मजाहिर फितरत की पूजा की जाती थी, तो पूजा तो होती थी, कोई बाकायदा मजहब नहीं था। शामनिज्म सनातन हिंदू धर्म से भी पहले इस धरती पर मौजूद था। इन सारी बातों पर तहकीक होनी चाहिए। जरतुश्त के मानने वाले ईरान से सिलसिला जोड़ते हैं, इस्लाम को मानने वाले मक्का से, बुद्धिज्म को मानने वाले कपिलवस्तु से, सिख तलवंडी से। लिहाजा मुसलमानों का अरबों से नजरियाती सिलसिला जोड़ना कोई गैर मामूली बात नहीं है। रहा सवाल इस इलाके का लंबे अरसे तक इंडिया होने का, यह भी हमारे व्यूअर्स सवाल उठाते हैं कि जी आप इंडिया को इंडिया क्यों नहीं कहते, सब कॉन्टिनेंट को इंडिया क्यों नहीं कहते, इन तहजीबों को इंडिया की ओनरशिप क्यों नहीं कहते, आप इसे पाकिस्तान की ओनरशिप क्यों कहते। भाई पहली बात तो यह कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान की ओनरशिप है, पाकिस्तान इसे ओन करता है, पाकिस्तानी इन तहजीबों को ओन करते हैं। और दूसरी अहम बात, इंडिया नाम यूनानियों ने इंडस की मुनासिबत से बरेसगीर को दिया था, और बरेसगीर के किस हिस्से को दिया था। इंडस स्कर्दू से छठा तक बहता है और डेल्टा बनाता हुआ बहिरा अरब में गिरता है। यह सारा इलाका आज के पाकिस्तान में है, तो टेक्निकली इंडिया बरेसगीर के इस हिस्से का नाम है जो खित्ते पाकिस्तान है। यानी बरेसगीर को इंडिया दरअसल यूनानियों ने कहा, और यूनानियों ने इंडस की मुनासिबत से इंडिया कहा, वरना दूसरी तरफ गंगा जमुना की तहजीब है। लिहाजा जिस हिस्से को इंडिया कहा गया वो इस वक्त वादी सिंध की तहजीब है, और इन तहजीबों के तमाम आसार पाकिस्तान, खित्ते पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी ओन करते हैं। इस धरती के रहने वाले हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन, मसीही, जरतुश्त, शामन्स और दूसरे मजहब के लोग अपनी जमीन के साथ जुड़त रखते हैं। भारत में हमारे कुछ दोस्त इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि मुसलमानों ने अपना तशख्स अरबों से लिया। मैं एक पंजाबी मुसलमान हूं जो वादी सिंध की तहजीब में पला बढ़ा, मेरी शनाख्त, मेरी जबान पंजाबी है। ये धरती है जहां इंडस बहता है, सात दरियाओं की जमीन सब सिंधु है, जिसे अब हम पंजाब कहते हैं, और इस्लाम भी है। इस्लाम की शनाख्त मेरी दूसरी शनाख्तों को खा नहीं जाती,
क्योंकि मेरी दूसरी शनाख्तें मेरे खमीर में मौजूद थी। अपनी इन्हीं शनाख्तों की वजह से मैं चढ़ते पंजाब के सिखों, हिंदुओं, मसीही बिरादरी और उन तमाम लोगों के साथ जो पंजाबी बोलने वाले हैं बहुत ज़्यादा कुर्बत महसूस करता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो घंटों गुजर जाएंगे, ऐसे ऐसे अच्छे और मोहब्बत करने वाले दोस्त। हो सकता है मजहबी मामलात में लखनऊ या केरला के मुसलमान से कुर्बत महसूस करूँ। वैसे मैं समझता हूँ कि इंसान तबकों में बटा है, मुआशी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर नहीं। बहरहाल ये बात बहुत लंबी हो गई, हो सकता है आप बोर भी हो रहे हों, ये बात किसी अगले व्लॉग पर उठा रखते हैं। इस वक्त हम लाहौर के मजाफात में एक शहर में दाखिल हो रहे हैं जिसे फूल नगर कहते हैं। फ्रूट की रेड़ियाँ खड़ी हैं, एक पुराना इलाका है। उन व्यूअर्स के लिए जो लाहौर से बाहर रहते हैं बताता चलूँ कि लाहौर बहुत फैल गया और ये सब मुलाका गाँव और शहर इसके अंदर ही शामिल हो गए। मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए 1 घंटा लगता है और इधर आने के लिए 30 मिनट। इस इलाके का यानी मेरा ऑफिस पुराने लाहौर में, नॉर्थ लाहौर में है, वहाँ ज़्यादा वक्त लेता हूँ मैं पहुँचने के लिए, जबकि इन इलाकों में मैं आसानी से आ जाता हूँ। इस इलाके का पुराना नाम भाई फेरू था। सर असी जा रहे हैं जी भाई फेरू। हाँ जी, पुराना नाम भाई फेरू। जी सर, तो उन्हें तो नवा नाम है फूल नगर। जी जी, तो ये राणा फूल साहब ने रखा सी ना सर? राणा फूल तो सियासतदान है ना यहाँ, उनके जहर है। हाँ जी, उन्हीं के नाम पे फूल नगर। तो सर ए भाई जी ने फिर के फूल दिता सी? फिर के फूल की मतलब? दरअसल सिख मत के सातवें गुरु गुरु हर राय साहब ने यहाँ के एक ताजर को उसकी ईमानदारी की बिना पर भाई फेरू कहा और इस जगह का नाम भाई फेरू पड़ गया। अब बहरहाल एक सियासतदान साहब ने इसे अपने नाम पर फूल नगर रख दिया, लेकिन लोग भाई फेरू ही कहते हैं। यहाँ एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा संगत साहब। एक ताजर संगीता को उनकी ईमानदारी से मुतासर होकर सिखों के सातवें गुरु ने भाई फेरू का टाइटल दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इसी मुनासबत से इस बस्ती का नाम भाई फेरू है। भाई फेरू यहीं फौत हुए, यहीं इनकी समाधि है। हमें वो गुरुद्वारा देखना है, बाजार से गुजर रहे हैं, बाजार मुसलसल तंग होते जा रहे हैं, जाने लोग कैसे गुजरते होंगे खरीदारी के दिनों में। बड़ा दिलचस्प बाजार है। इधर से जाते हैं, उधर से निकल आएंगे फिर। हाँ, इधर तो पुरानी दीवार ही है। गर्मियों में ठंडक रहती होगी इस बाजार में। कुछ गलियों से गुजरने के बाद बिलाखिर गुरुद्वारे में पहुंच गए, लेकिन यहां तो ताला पड़ा है। फैजान भाई ने किसी को भेजा है ताला खुलवाने के लिए। हमें इन साहब ने अपनी दुकान पर बैठने की दावत दी तो हम विराजमान हो गए। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। बड़े शौक से देखते हैं आपकी वीडियोस। आपने बड़ा विजिट करवाए हमें लाहौर की जो मार्केटों के जगह के तरह तरह के। जी जी, बड़े लाइक करते हैं आप। ये चांदी ऊपर लगती कुछ चार होता पहले, उसके बाद इसके ऊपर पताश होती चांदी की। इसका जो वेट होता ना उसकी अमाउंट होती है, इसकी 6 तोले इसको लगी हुई है। अच्छा, चांदी का की रेट चल रहा है? 2600 ते 2600 रुपया तोला। अच्छा, एने तो सानू रिएक्शन दी पे आ जांदी हो जुत्ती जड़ी होंदी है। 8-10 हज़ार लगी हुई है इसको। हां, तकरीबन 16-17 हज़ार की बनती है। हां, 8-10 हज़ार दे नॉर्मल जुत्ती चल रही है ऐसे ही।
सर चांदी दी ना पाया करे फिर मैं खान वास्ते पान वास्ते ते सर जदों जुतियां पै रही होंगी नग उतरेगा ते नहीं कुछ भी नहीं होगा ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ चाय पीते पीते इधर उधर की गपशप हो रही है। नगीनों का काम करते हैं जनाब। लीरे साहब गुरुद्वारे की चाबी आ गई। गुरुद्वारे पर गुरमुखी में एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है महानत हरिदास जी ने गाते का मंदिर और दोनों दर्शनी दरवाजे बनवाए और सेवा तन मन धर्म से श्री कृष्ण जी ने की थी सी। गुरुद्वारे के बड़े दरवाजे से दाखिल हो तो सामने थम साहब जहां अब तक सिख साहिबान झंडा लगाते रहे हैं। गुरुद्वारा कुछ बरस पहले तक इस्तेमाल में था लेकिन जाहिर है इसका कोई मजहबी इस्तेमाल नहीं था क्योंकि यहां एक भी सिख या हिंदू खानदान आबाद नहीं है। किसी जमाने में जिला लाहौर ही में शामिल था। किसी जमाने में इस गुरुद्वारे की बड़ी आन बान थी। तर्ज तामीर ही बताता है कि इसे बड़ी मोहब्बत और मेहनत से मेटिकुलसली तामीर किया गया है। मुझे गार्डर के साथ इन कुंडों की समझ नहीं आ रही। पंखों के लिए भी हो तो इतने कुंडे कैसे? ये थड़ा तो खैर यात्रियों के लिए होगा क्योंकि ग्रंथ साहब का मुताला करने के लिए भी जगह है। मुझे ये बात हमेशा से मुतासर करती है कि बड़े बड़े मजहब के होते हुए सिखिज्म ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई बहुत कम अरसे में। दरअसल बाबा साहब जात पात और मजहबी अशराफिया को चैलेंज करते थे। अपना पैगाम मकामी जबान यानी पंजाबी में आवाम तक पहुंचाया, अरबी या फारसी के जरिए नहीं। मुकद्दस सहीफों को महज याद कर लेने की बजाय उनके मानी और मकसूद दिल में उतारने के जतन किए। सर ये आर्ट जो है ना ये पहले हमने नहीं देखा है। ये वाकई है लेकिन इससे ये भी लगता है कि ये थोड़ा मॉडर्न भी है। जी सर पूरा आए थे ना इधर उन्होंने बताया था कि ये 1897 के टाइम का बना है। हाँ ऐसे 1897 हाँ इसके नाम पे कहा जाता है कि 1600 कुछ एकड़ जमीन भी है इस ट्रस्ट के नाम पे। ट्रस्ट पे गुरुद्वारा है। अच्छा 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 तो वो जमीन कहाँ बताते हैं? जमीन का कोई कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये महकमा औकाफ के अंडर है। उसके बाद ये ट्रस्ट भी इसका बना हुआ है जिस तरह गुरुद्वारा का भी बना हुआ है। हम पिछले किसी वीडियो में ये बता चुके हैं कि 51 गैर सिख दानिशवरों के फरमोदात गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। जहां से अंदाजा कीजिए बाबा साहब की हम जहत अप्रोच का। तेरी निगाह ने सहबाए आगही दे दी, बशर के हाथ में कंदीले जिंदगी दे दी। तेरे पयाम से ऐसी की थी मसीहाई, तेरे सुखन में हबीबे खुदा की रानाई। तेरे कलाम में गौतम का नूर दानाई, तेरे तराने में मुरली का लहन जगताई। हर एक नूर नजर आया तेरे पैकर में, तमाम निखतें सिमटी हैं गुले तर में। जहां जहां भी गया तूने आगही बांटी, अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। ये एक तवील मदा है जो दर्शन सिंह जी ने बाबा साहब के लिए कही थी। जरूर पढ़िए बहुत लुत्फ उठाएंगे आप। सीढ़ियों में बहुत गर्द है, लगता है किसी ने बहुत अरसे से दरवाजा नहीं खोला। जैसे घर मकीनों से होते हैं ऐसे ही माबत इबादत करने वालों से, वरना तो बस ईंटों की एक बिगड़ी हुई तरतीब रह जाती है। कुछ लोग शायद नाराज हों लेकिन सच्ची बात यह है कि तकसीम हिंद के वक्त ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन से बड़ी मजे का खेज ट्रेजेडी इंसानी तारीख में कहीं नहीं। यानी सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपका मजहब क्या है, रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा, किसी अजनबी देश में भागने पर मजबूर होना पड़ा, खंजरों और तलवारों के घावों से बचकर दूसरी जगह पहुंचना पड़ा, सारी जिंदगी रूह के घावों सहलाते रहे। मेरे दादा दादी नाना नानी ने लंबी उम्र पाई, जवानी में हिजरत का कर्ब सहा और बुढ़ापे में भी अपने घर को याद करते सुपुर्दे खाक हुए। वो कोई गिला नहीं करते थे, किसी को कोसले नहीं देते थे। पाकिस्तान आकर बहुत खुशहाल भी हुए और महफूज भी, लेकिन जब कभी इकट्ठे होते जलंधर की बातें करते जो उस वक्त हमारी समझ में नहीं आती थी कि इतनी मार धाड़ के बावजूद उस जगह को क्यों याद करते। फिर कृष्ण चंद्र को पढ़ा,
रोटी कपड़ा और मकान उसका एक नॉवल है जिसमें वो एक जगह कहता है अपनी तमाम तर सोबतों के बावजूद जब राघो राव ने मुड़कर आखिरी बार अपने गांव को देखा तो वो गांव उसे बहुत खूबसूरत लगा। ये एक आफाकी एहसास है। आर्थर मिलर का एक ड्रामा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसमें बांसुरी बजती है और विली लोमैन अपने गांव की जिंदगी में अपने ख्यालों में चला जाता है, अपने बाप के साथ बंसरियां बेचता है। वो अमेरिका के स्काईस्क्रैपर से आजिज आया हुआ है, अपना गांव याद करता रहता है। क्या खूबसूरत गुंबद हैं इस गुरुद्वारे के। हमारे मुल्क में दरअसल मुख्तलिफ मजहब के साथ को एग्जिस्ट करने की रिवायत है नहीं पिछले 50-60 साल से 70 साल से। इसलिए मेरे कुछ व्यूअर्स को बहुत अजीब लगता है जब मैं मंदिरों और गुरुद्वारों को बहाल करने की बात करता हूँ। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को इसकी अहमियत का बहरहाल एहसास होता है क्योंकि वो मल्टा एथनिक मल्टा रिलीजियस सोसाइटी में रह रहे होते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख मुसलमान मसीही तमाम मजहब के लोग मिलकर रह रहे होते हैं भाई बहनों की तरह से। मैं जब छोटा भी था तो किसी सरदार जी को देख कर सत श्री अकाल बहुत शौक से कहता और जवाब सुनकर दिल बाग बाग हो जाता। बचपन ही में राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ा, बिशन सिंह बेदी को खेलते देखा, संपूरन सिंह की शायरी सुनी, वीपी सिंह को खेलते देखा, खुशवंत सिंह की बातें सुनी, अमृता सिंह का इश्क देखा। सिखों से मोहब्बत तो होनी ही थी। ये लोग मुझे इस दरस से इस छोटे से रास्ते से ऊपर जाने का कह रहे हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता कैसे हो सकता है? मुझे वैसे बंद जगहों का खौफ होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। रशीदुल हसन की आदत है वो फौरन एडवेंचर पर माइल करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके के लोग खुद यहाँ से ऊपर कभी नहीं गए और मुझे भेज रहे हैं। अगर ना गया तो व्यूज नाराज होंगे, तो आप लाए ही बनेंगे गालिब। वाकया सख्त है और जान अजीज। वो कह तो ठीक रहे हैं, इस गोर्च से अंदर आए तो सामने सीढ़ियां हैं और रोशनी भी। गुरुद्वारे में बालाई मंजिल किसी हद तक महफूज है। राहदारी से राहदारी निकलती है, कमरे से कमरा निकल रहा है। तर्ज़ तामीर कुछ ऐसा है कि तंग कमरे से खड़े होकर देखें तो दूर तक निगाह आ जाती। डिजाइन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि कहीं भी निगाह ब्लॉक ना हो। उमूमन गुरुद्वारों में गुंबद सिर्फ गुंबद होते हैं, लेकिन यहाँ इन गुंबदों में ग्रंथ साहब रखने के ताक हैं जिनके गिर्द छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और हर कमरे के गिर्द एक तंग सी राहदारी है। मैंने किसी गुरुद्वारे का ऐसा तर्ज तामीर नहीं देखा। मेरा जाना जरूरी है। हाँ जी अगे पूना दे छत्ते भी है। नहीं सर जी, काला नाग भी है आगे सर जी, तो ओदे वास्ते मेनू बुलाया है। हाँ जी मकामी लोग सांप बिच्छू वगैरह से डरा भी रहे हैं और नई सी जगह पर ले जा भी रहे हैं। इन गुरुद्वारों और मंदिरों को महफूज होना चाहिए। आने वाली नस्ल डिजिटल जनरेशन है जो सरहदों और नजरियात में या रियासती मसलहतों का शिकार नहीं होगी। इस जनरेशन के लिए मजहब और कौमियत या नस्ल के बुनियाद पर इंसानियत को वाटर टाइट
कंपार्टमेंट्स में बंद करना, कैद रखना नामुमकिन है। कुएं के मेंढक बनकर दुनिया में नहीं रहा जा सकता। एथ्रोसेंट्रिज्म और तंग नजरी से जान छुड़वाना होगी। अपने फरसूदा और बीमार अना को छोड़ना होगा, खुद पसंदी को छोड़ना होगा, वरना हम कर्ज और भीख देने वालों का हर जुल्म बर्दाश्त करेंगे। इनके तलछट को भी जाम समझेंगे, लेकिन अपनी जबान बोलने वाले हजारों बरस अपने साथ रहने वालों से बैर रखेंगे। नहीं ये तुझे आप देखे ना कि सोने में मेरे अब्बा जी या अच्छा राजेंद्र असी अब्बा जी थे काट बाट से पूछो तो अच्छी हालत ही होएगा ना। ओए दो दफा बने हैं। अच्छा कोई ना कोई आ रहा है भाई ये वो अटक 10 साल ने गल जो देख निकली ना देख 10 साल पहले तो देख निकली वो जेड़ा असी के सुनदे सी के सोने दी देख निकलदी है लाहौर दे विचो फ्लैट बिल्डिंग महारानी आप नहीं मुझे एक लॉजिक नहीं समझ लगी सर। गुरुद्वारे में महारानी का क्या काम है? पता नहीं जी सीखनी जी नु भी नवा यार वो कुड़ी दा नाम महारानी हो। भाई फेरू को भाई फेरू ही रहने देते, नया फूल नगर आबाद करते, जैसे लाला लाजपत राय ने गुलाब देवी अस्पताल बनाया, सर गंगाराम ने अपने घर को हेली कॉलेज बना दिया, गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, गंगापुर बसाया, बेसहारा औरतों के लिए आश्रम बनाया। गंगाराम बिल्डिंग देखिए, नाम अपने काम का रखना चाहिए। किसी के बनाए हुए इदारों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले बस तख्तियों में ही जिंदा रहते हैं, दिलों में नहीं। तख्तियां नहीं दिल बांधिए है। अपने घर को सजाना आपकी जिम्मेदारी है। कोई अपने घर में क्या करता है आपको इससे क्या मतलब। सर गंगाराम इज फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस शहर की दीवारों को सींचा है। इन गुरुद्वारों मंदिरों को महफूज कीजिए, यह आपका असासा है। कभी इस धरती पर और लोग भी रहा करते थे, उनका तर्ज तामीर, उनकी तामीरात, उनके ट्रेसेस, उनकी निशानियां महफूज कीजिए, ताकि कल को कोई आपकी निशानियां महफूज करे। अपना ख्याल रखिए, राय दीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।